हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल स्काईलिंक किचन। आज मैं आपके साथ मोहर्रम स्पेशल रोट की रेसिपी शेयर करूंगी और मैं आपको इनको सेकने के 3 तरीके बताऊंगी। आप भी इस तरीके से इनको बना करके आराम से 1.5 से 2 महीने तक स्टोर कर सकते हो, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं और ये बहुत ही आसानी से बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार होते हैं। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आई होप आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो को फुल देखिएगा, स्किप बिल्कुल ही मत करिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए देखिए, मैंने 1 कप सूजी ली है, इसको हम चन्नी में डाल देंगे। अब इसी कप से नाप के इसमें 1 कप मैदा डालेंगे। अब इनको छान लेंगे। अब इसी कप से नाप के इसमें 1 कप पिसी हुई शक्कर डालेंगे। अभी देखिए, मैंने थोड़े सफ़ेद तिल लिए हैं और करीब मैंने 10 से 12 बादाम लिए हैं और 10 से 12 मैंने काजू लिए हैं, इनको मैंने कूट लिया है, इनको इसी में डाल देंगे। अब इनमें फ्लेवर के लिए थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे। अब इसमें हम 1/4 कप घी या फिर ऑयल डालेंगे। ये मैंने देसी घी लिया है, इसको मैंने मेल्ट कर लिया है। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसी कप से नाप के मैंने 1/4 कप दूध लिया है, दूध को भी इसी में डाल देंगे। अब इन सभी को हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे। इनको देखिए, मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको ढक के करीब 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे क्या है, सूजी अच्छे से फूल जाएगी। इसको ढककर रखे हुए करीब 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम हाथ में हल्का सा घी ऑयल लगाएंगे। अब इसको एक बार और गूंदेंगे। अब इसके हम अपनी पसंद के हिसाब से पेड़े बनाएंगे। मैं इसके देखिए इस तरीके से इतने बड़े बड़े पेड़े बना लूंगी। ये पूरे डो के देखिए मैंने पेड़े बना लिए हैं। अब इनको हम साइड में रख देंगे। अब देखिए, इस तरीके से कोई भी एक ट्रे या फिर प्लेट लेंगे, इसमें भी हम घी ऑयल लगाएंगे। अब इनमें से एक पेड़ा लेंगे, इसको देखिए इस तरीके से हल्का सा फैलाएंगे। अब इस पर थोड़े से सफ़ेद तिल और डालेंगे। अब इस पर थोड़े से कुटे हुए ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। अब इनको इसमें अच्छे से सेट कर देंगे। आप ये रोट भी आपकी पसंद के हिसाब से बना सकते हो, छोटे बड़े मोटे पतले जैसे भी आपको सही लगे। अब इनको हम इस प्लेट में जमा देंगे। अब इसमें जितने भी पीस आसानी से आ जाएंगे उतने पीस जमा देंगे। अगर आप चाहो तो इनको डायरेक्ट ट्रे में भी बना सकते हो। अभी इस ट्रे को तो हम साइड में रख देंगे। अब थोड़े से पीस हम माइक्रोवेव में भी बनाएंगे। इसके लिए देखिए, मैंने माइक्रोवेवल ट्रे ली है। ये मेरी ट्रे थोड़ी सी ख़राब हो रही है, इसके वजह से मैं इसमें एल्युमिनियम फॉइल लगा ली है। अब इस ट्रे में भी जितने पीस आसानी से आ जाएंगे उतने पीस जमा देंगे। अब इनको हम प्रीहीटेड माइक्रोवेव में कन्वेक्शन मोड पे 180 डिग्री पे करीब 30 से 35 मिनट के लिए बेक करेंगे। अब इन पीसों को हम कढ़ाई में रख के चूल्हे पे पकाएंगे। इसके लिए देखिए, मैंने लोहे की कढ़ाई ली है। आप भी इसी तरीके से कोई भी पुरानी सी कढ़ाई ले लें। अब चूल्हे को ऑन कर देंगे। अब कढ़ाई में इस तरीके से कोई भी जारी वाला स्टैंड रखेंगे। स्टैंड पे इस ट्रे को रखेंगे। अब कढ़ाई को हम किसी भी तरीके के ढक्कन से या फिर प्लेट से ढक देंगे। अब ढक्कन में जो होल है इसको हम ढक देंगे। मैंने थोड़ी सी एल्युमिनियम फॉइल ली है, इसको मैंने फोल्ड कर लिया है। अभी इनको 5 मिनट तो हाई फ्लेम पे पकाएंगे, उसके बाद फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पे इनको करीब 20 से 25 मिनट पकाएंगे। अब थोड़े से पीस हम तवे पे बनाएंगे। इसके लिए देखिए, मैंने नॉन स्टिक तवा लिया है। अब इस पर आप अपनी पसंद के हिसाब से घी ऑयल लगाएंगे। मैंने देसी घी लिया है। घी को तवे पे सब तरफ अच्छे से लगा देंगे। अब जितने भी पीसेस पर आसानी से आ जाएंगे उतने पीस जमा देंगे।
अब इनको हम किसी भी तरीके के ढक्कन से या फिर प्लेट से ढक देंगे। अभी 2 मिनट तो इनको हाई फ्लेम पर पकाएंगे, उसके बाद फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर इनको करीब 10 से 12 मिनट पकाएंगे। इनको टोटली सीखते हुए करीब 15 मिनट हो चुके हैं। अब इनको हम पलटेंगे। इस साइड से देखिए कितने बढ़िया सिक गए हैं। अब इनको इस साइड से भी ढककर करीब 3 से 4 मिनट और सेकेंगे। इनको भी सीखते हुए टोटली 30 मिनट हो चुके हैं और ये पीस भी देखिए कितने अच्छे से सिक गए हैं। अब इस ट्रे को हम किसी भी कपड़े से पकड़ करके निकाल लेंगे। अब इनको हम ट्रे में से निकाल लेंगे, इनको निकाल कर किसी प्लेट में रख लेंगे। इस ट्रे को भी देखिए मैंने माइक्रोवेव में से निकाल लिया है। इनको मैंने कन्वेक्शन मोड पे 180 डिग्री पे 25 मिनट बेक किया था और ये 25 मिनट में देखिए कितने अच्छे से बेक हो गए हैं। अब इनको हम ट्रे में से निकाल लेंगे। इनको मुझे माइक्रोवेव में से निकाले हुए करीब 5 मिनट हो चुके हैं, इस वजह से ठंडे हो गए हैं। इनको भी दूसरी साइड से सीखते हुए करीब 5 मिनट हो चुके हैं। अब इनको हम पलट करके चेक करेंगे। ये पीस भी देखिए साइड से कितने अच्छे से सीख गए हैं। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब इनको हम तवे पे से हटा लेंगे। अभी हमारे रोट बनकर के रेडी हैं। मैंने आपको इनको सेकने के 3 तरीके बताए हैं, आप किसी भी तरीके से इनको सेक सकते हो। अब देखिए मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। ये देखा आपने कितने बढ़िया एकदम क्रिस्पी हमारे रोट बने हैं। आप भी इस तरीके से इनको बना करके आराम से 1.5 से 2 महीने तक यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं और यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बने हैं। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आई होप आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बाय, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।